बट जिस अमाउंट को हम लोग यूज करेंगे अपने रिक्शे को फाइंड करने में, वो क्या होगा आफ्टर द तो अब हम आते हैं अपने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस पे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेबल पीरियड इन डेज। मतलब कि हमें एक तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है और एक एवरेज पेबल पीरियड इन डेज निकालना है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, जैसे मैंने बताया था दैट नेट क्रेडिट परचेज ओवर एवरेज ट्रेड पेबल होता था हमारा क्या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। और हमारे जो एवरेज पेबल पीरियड थे उसका फॉर्मूला क्या था, एवरेज ट्रेड पेबल ओवर नेट क्रेडिट परचेज इनटू डेज हो या फिर मंथ्स हो। ठीक है, हमारी मर्जी हम जैसे निकालना है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे डेज में निकालना है तो हमें डेज मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, अगर हमें मंथ्स में निकालना है तो हमें मंथ्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए अपने नेट क्रेडिट परचेज, क्या चाहिए हमें अपनी नेट क्रेडिट परचेज। अब ये कैसे आएगी यहां पे देखते हैं। यहां पे दे रखी है हमें टोटल परचेज दे रखी है, एक तो कैश परचेज दे रखी है, परचेज रिटर्न भी दे रखी है। तो यहां पे ये तो लिखा नहीं है कि परचेज रिटर्न पहले से या फिर आउट ऑफ द क्रेडिट परचेज दे रखा है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोगों को इस परचेज रिटर्न को भी इसमें एडजस्ट अभी के अभी करना पड़ेगा। तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग क्या अपने क्रेडिट परचेजेस। तो टोटल परचेजेस का फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्रेडिट परचेजेस प्लस कैश परचेजेस, टोटल परचेज का फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, तो टोटल परचेजेस हमें कितने गिवन है, 8,50,000 एंड क्रेडिट परचेजेस हमें कितने गिवन है पता ही नहीं, तो हमें फाइंड करने हैं। तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया क्रेडिट परचेजेस। अब कैश परचेजेस जो है, ठीक है, इनका अमाउंट यहाँ दिया हुआ हमें कितना 1,00,000, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं क्रेडिट परचेज, इसको यहाँ से यहाँ पे लेकर गए किसका हो गया माइनस का, तो अभी यहाँ अब हम लोग 8,50,000 में से 1,00,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 7,50,000। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए क्रेडिट परचेजेस। बट जिस अमाउंट को हम लोग यूज करेंगे अपने रेशियो को फाइंड करने में वो क्या होगा, बट जिस अमाउंट को हम लोग इसमें यूज करेंगे अपने रेशियो को फाइंड करने में उसमें से हम लोगों को अपने इस परचेज रिटर्न को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली इस 7,50,000 में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना, ये वाला 50,000। तो कितना बचा यहाँ पे, बैलेंस अमाउंट कितना है 7,00,000। मतलब कि हमारी नेट क्रेडिट परचेजेस जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी ये हमें मिल गई है, कितनी है 7,00,000। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी नेट क्रेडिट परचेज। अब हमें यहां से क्या चाहिए अपने एवरेज ट्रेड पेबल, ये रहे यहाँ पे। तो एवरेज ट्रेड पेबल क्या होगा, जैसे कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल में था ऐसे यहाँ पे ट्रेड पेबल में होगा। तो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल बाय 2। ठीक है, तो यहां पे निकालते हैं हम लोग क्या, एवरेज ट्रेड पेबल क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस बाय 2। ठीक है, सो ओपनिंग बैलेंस यहां पे गिवन है क्या, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये क्या हमारा क्लोजिंग ईयर एंड है। ठीक है, और क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, ये क्या हमारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, क्योंकि हमारा बिगनिंग है। ठीक है, तो यहां पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो ओपनिंग की कितनी है 1,20,000 प्लस क्लोजिंग की कितनी है 1,60,000 बाय 2, तो ये कितना हो गया 2,20,000 बाय 2। ठीक है, आप 2 से कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 1,40,000। ठीक है, तो हमारा एवरेज ट्रेड पेबल कितना होगा इसमें 1,40,000। ठीक है, अब हम लोग दो अमाउंट यूज करेंगे जो भी हमने अभी तक फाइंड करा है, जिससे कि हम लोग अपने क्या फाइंड करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एक तो ये रहा अमाउंट वो और एक ये रहा 1,40,000। तो रेशियो को फाइंड करते हैं, तो इसमें पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, नेट क्रेडिट परचेज किसमें, न्यूमरेटर में। ठीक है, कितना 7,00,000
ओवर हमारा क्या है यहाँ पे एवरेज ट्रेड पेबल जो कि कितना है 1,40,000। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 4 0 से 4 0 गए, 7 से 1 0 टू टाइम, कितना आ गया हमारा रेशियो 5 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 5 टाइम्स। तो अब हमारा एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का हो गया, अब हमें एक पार्ट और फाइंड करना है, वो ये रहा एवरेज पेबल पीरियड हमें बताना है। तो एवरेज पेबल पीरियड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था एवरेज ट्रेड पेबल ओवर नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, अगर हमें डेज में निकालना है तो, और नंबर ऑफ मंथ अगर हमें मंथ में निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें किस में निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें किस में निकालना है, डेज में। तो एवरेज ट्रेड पेबल हमारा कितना है 1,40,000, नेट क्रेडिट परचेज हमारा कितना है 7 लाख, इंटू डेज कितने होते हैं 365। ठीक है, अब यहां पे ये 4 0 से 4 0 गए, 7 1 0 टू टाइम, ठीक है, 5 2 10 और 5 7 35, एक इधर आके 5 3 15, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहां पे हमारा एवरेज पेबल पीरियड कितना है 73 डेज, मतलब कि मैं 73 डेज में इस अमाउंट को लौटा दूंगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स आर 80,000, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस हमारा ट्रेड पेबल कितना है 80,000। अब यहाँ पे ओपनिंग बिल्स पेबल भी है, तो बिल्स पेबल ये भी टीपी का पार्ट होता है, मतलब ट्रेड पेबल, और ये बिल्स पेबल भी टीपी का पार्ट होता है। तो अभी हम इन दोनों चीजों के ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस को ऐड करके डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, और हमें मिल जाएगा क्या एवरेज ट्रेड पेबल। तो अगर हमें ये किसका अमाउंट था क्रेडिटर्स का, ऐसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ बिल्स पेबल कितना, ये कितना है 3,000, ये किसका है बीपी का। तो अगर हमको निकालना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में दो चीजें आती है, एक तो क्रेडिट और एक बिल पेबल, अगर हमें ट्रेड पेबल का निकालना है तो क्या करेंगे 80,000 प्लस 3,000, हमें यहाँ पे क्या मिल गया अपना ओपनिंग स्टॉक ऑफ ट्रेड पेबल कितना है 83,000। ठीक है, तो हमें ओपनिंग स्टॉक मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं ऐसे करके क्या क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, तो क्लोजिंग हमें एक दे रखा सन्ड्री क्रेडिटर्स का कितना 1 लाख, ये किसका है क्रेडिटर्स का। ऐसे बिल्स पेबल से हमें कितना गिवन है बीपी का, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 17,000। तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल हमारा कितना आएगा 1,17,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल, और ये क्या हो गया हमारा टोटल ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल। ठीक है, तो अभी हम लोग निकाल लेते हैं यहां से क्या अपनी एवरेज ट्रेड पेबल। तो एवरेज ट्रेड पेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज टीपी के लिए हम लोग इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे 83,000 प्लस 1,17,000 बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 लाख, बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 लाख, मतलब कि हमारे यहाँ पे एवरेज ट्रेड पेबल कितने हैं 1 लाख। अब इसको यूज करके, अब मैं इसको यूज करूंगा किसमें, रेशियो के अंदर। तो जो रेशियो के अंदर यूज करेंगे उसको अलग से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया। अब इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे क्या नेट क्रेडिट परचेजेस। सो नेट क्रेडिट परचेजेस को कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर, उसके लिए देखते हैं गिवन डिटेल्स, आगे की डिटेल्स हैं वो भी। दैट परचेजेस आर 14 लाख, परचेजेस हमारी कितनी 14 लाख, कैश परचेज कितनी है उसमें से 5 लाख, एंड परचेज रिटर्न कितनी है 1 लाख। ठीक है, तो क्या हुआ इधर यह पता नहीं है तो फाइंड करेंगे। तो अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे टोटल परचेजेस हमारी कितनी है 14 लाख। ठीक है, हमारी कैश परचेजेस इसने कितनी बताई है 5 लाख। ठीक है, हमारी परचेज रिटर्न वो उसने कितनी बताई है 1 लाख। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा टोटल परचेज, टोटल परचेज के अंदर दो चीजें होती है क्रेडिट और कैश परचेज, अगर मैं कैश को कर दूंगा माइनस तो मेरे को क्या मिल जाएगा अपना क्रेडिट परचेज, तो मेरा क्रेडिट परचेज यहां पर क्या होगा, क्रेडिट परचेज यहां पे होगा 14 लाख माइनस 5 लाख, लास्ट में कितना आया 9 लाख। ठीक है, 9 लाख मेरा यहां पे क्या होगा क्रेडिट परचेज। ठीक है, अभी ये जो परचेज रिटर्न का अमाउंट है मैं इसको भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी तक एडजस्टेड नहीं है इसके अंदर, माइनस करना, तो कितना आ गया 8 लाख। तो इस 8 लाख के अमाउंट को मैं यूज करके अपना क्या फाइंड करूंगा रेशियो, तो ये क्या है मेरा नेट क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, हम लोग क्या निकालते हैं अपना रेशियो, तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, रेशियो का फॉर्मूला होता था
नेट क्रेडिट परचेज ओवर एवरेज ट्रेड पेबल, तो हमारे यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज कितने हैं 8 लाख है ना, और हमारे यहाँ पे एवरेज ट्रेड पेबल कितने हैं 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो से क्या हो जाएंगे, जीरो कैंसिल, 5 जीरो से 5 जीरो गए, कितना आया हमारे यहाँ पे 8 टाइम्स। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर।